हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। और आज आप समझ रहे होंगे कि मैं कुछ नया लेके आपके लिए आया हूँ। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाले या कम डाले, लाइव क्लास को कुछ दिनों के लिए मैंने क्लोज किया और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया कि मैं अपने स्टूडियो को अपडेट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग के लिए ही ये सब कर रहा हूँ मैं, आप बेसिकली आप समझ सकते हैं। और अब पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये हमारे चैनल का, हमारे क्लास का नया मेहमान है, इसका हम आज वेलकम करते हैं। और ये अब हमारे साथ यही बोर्ड रहने वाला है। बहुत दिनों से आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि सर अब आप डिजिटल बोर्ड पर आइए, इंटरेक्टिव बोर्ड पर आइए। लीजिए, हम आ गए। ये मेरी नहीं, पूरे हमारे चैनल की, हमारे चैनल के हर सब्सक्राइबर का एक पार्ट है और आप अब इसी से पढ़ाई करेंगे। और मैंने बहुत कोशिश की है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम आपके साथ में आ सकें, हम उस वे में आपको पढ़ा सकें जो समय की मांग है, वक्त का मांग है। और भी कुछ अपडेट हो रहे हैं मेरे स्टूडियो में, कंप्यूटर सिस्टम और पूरा। आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, वो सब मैं अपडेट कर रहा हूँ। ये थोड़ा टाइम टेकन वर्क है, इसके लिए हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए। और मैं एक्सक्यूज़ भी करता हूँ आप लोग के साथ कि आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर वीडियो आप नहीं बना रहे हैं सर, लेकिन आप मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम को थोड़ा समझ सकते हैं कि ये सब करने में बहुत टाइम लगता है, खासकर कुछ ऐसा वर्क जो दूसरों पर डिपेंड हो, दूसरे के हेल्प से मुझे करना हो। जैसे बोर्ड मैं मंगा लिया लेकिन अब उसको आके असेंबल करना है, उसको हैंगिंग करना है, उसके लिए मैं दूसरे पर डिपेंड हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, कहना चाहिए कि थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन आपका कोर्स टाइम में होगा। आज मैं सिर्फ आपको अपने इस नए मेहमान से इंट्रोड्यूस कराने के लिए आया हूँ। और अभी मुझे कुछ टेक्निकली उसके साथ फ्रेंडली भी होना पड़ेगा। शुरुआत के कुछ क्लास में बहुत से फंक्शन हैं, बहुत एडवांस बोर्ड है ये, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा लिखने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारा आदत ग्रीन बोर्ड में या वाइट बोर्ड में लिखने का है। तो मैं समझता हूँ आप सब मुझे कोऑपरेट करेंगे, नेचुरली करेंगे, मुझे मालूम है। तो इसलिए मैं आज स्पेशली इस क्लास में आया और कुछ अब इससे आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। और अब हम मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई इस बोर्ड से करेंगे और हम बहुत अच्छे से उसको एडवांस कर पाएंगे। हमारे सब नोट्स इसमें सेव रहेंगे, हमको अपना कोई पीडीएफ भी शो करना हो तो हम यहीं पर आपको शो कर सकते हैं। बहुत बार आप लोग पूछते थे सर पीडीएफ कैसे देखें, मैं ही आपको दिखा दूंगा पीडीएफ कैसे देखेंगे, कौन कौन से हमारे वीडियो में पीडीएफ है, कहाँ है, किस तरह से वो दिख रहे हैं, कहाँ, सब चीज़ मैं आपको अब यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी काम में लगा हुआ था और थोड़ा सा दो चार दिन और डिले होगा, कुछ दिन और डिले होगा, आप उसको थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, टाइम में कोर्स पूरा होगा, उसकी चिंता मत करिए। इसके बाद फटाफट तेज़ी से वीडियो बनाऊँगा मैं। कुछ दिन डिले मतलब मेरा कंप्यूटर सिस्टम और कुछ मेरे स्टूडियो में कुछ वर्क हो रहे हैं साउंड सिस्टम वगैरह के लिए, तो उसको दूसरे पर डिपेंडेंट वर्क है और यही काम होना है तो उसके लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो देखिए, ये हमारा एक डिजिटल बोर्ड है और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, हम देखें कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा बोर्ड। अब हम मनचाहे कलर में अपने बोर्ड को चेंज, आप लोगों से आपको याद होगा बहुत पहले मैंने शुरुआत में चैनल के एक ओपिनियन मांगा था कि ग्रीन बोर्ड में अच्छा लगता है कि वाइट में अच्छा लगता है, कुछ ने वाइट बोला कुछ ने, कितना कंफ्यूजन था हमारे पास। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे पास। देखो यहाँ से यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर इतने कलर के बैकग्राउंड है हमारे पास, इतने कलर के हमारे पास बैकग्राउंड है, हम कलर डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके पढ़ सकते हैं। वाइट बोर्ड बनाना है तो हमारा बोर्ड वाइट बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। ब्लू हमको अच्छा लगेगा, ब्लू अपन कर लेंगे, डार्क ब्लू करना होगा डार्क ब्लू कर लेंगे, ब्लैक करना होगा हम ब्लैक बना लेंगे। तो बहुत तरह के बोर्ड के हम बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, ये हमारा पहला एक फीचर होगा आपके साथ में। फीचर्स तो इसके इनफाइनाइट है मान के चलिए, आप मुझे भी बहुत टाइम लगेगा उसको सीखने में, लेकिन ये पूरी फैसिलिटी सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। तो इसलिए मैं पूरे अधिकार के साथ आपको बोल रहा हूँ कि कुछ डिले हुआ तो परेशान मत होइए, क्योंकि काम अचानक नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे बहुत, आप लोगों ने मेरे 100 के सब्सक्राइबर होने के दिन हमने जो आपके साथ में बात की थी, उसमें मैंने एक बात की थी आपको याद होगा कि किसी दिन मैं वीडियो नहीं बना पाता, आपके लिए कुछ कर नहीं पाता,
तो मैं रात को सो नहीं पाता, मुझे बेचैनी होती है कि मैं कर नहीं पाया। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन एक टेक्निकल वे में जाना है मुझे, उसके लिए करना पड़ेगा। और आज स्पेशली मैं आपके सामने इसीलिए आया हूँ कि आपको मैं बता सकूँ अपने प्रॉब्लम्स और आपको अपना ये भी बता सकूँ कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से अपन करने वाले हैं इसमें। आपको जब मैं पढ़ाऊँगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स लोग का डिमांड था कि सर IIT JEE और नीट के पैटर्न पर आप पढ़ाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। आप सोचिए, यदि मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता, एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बोर्ड में लिखते रहता, तो कितना परेशानी वाला मैटर था। अब हमारे पास इसका PPT रहेगा, PDF फॉर्म में मैं यहाँ पर लाऊँगा और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपको पढ़ाऊँगा, सब आपके लिए है। तो देखिए, इस तरह से इसके बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड अपन ले लिए, कोई सा भी बैकग्राउंड ले लिए, सपोज ये ग्रीन ले लिया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कलर का पेन सपोज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमको लिखना है तो ये अभी थोड़ा लिखने में क्या है, मैं बताया ना आपको कि हमको लिखने में अभी थोड़ा सा बहुत सा मुझे ट्रेन होना पड़ेगा, इसमें मुझे ट्रेन होना पड़ेगा। इसलिए ट्रेन होना पड़ेगा कि अभी हमारा क्या है, उसमें लिखने का हैबिट है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, कलर चेंज करके लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नेचुरली मुझे लग रहा होगा कि आप इसको देख रहे होंगे, आपको अच्छी फीलिंग हो रही होगी। यदि हमको कहीं पर कुछ शेप ड्रा करना है, ठीक है, तो शेप अपन ड्रा कर सकते हैं, या किसी पोर्शन को हमको मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। देखिए, सपोज मुझे ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल प्रॉपर बनता नहीं, तो सीधा अपन इस तरह, देखिए ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, सर्कल मुझे बनाना है, तो सर्कल बनाने में बस अपना ऐसा सर्कल किया, वो एग्जैक्ट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है, आड़ा तिरछा कुछ भी करूँगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये बाद में स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा और आपको समझने में भी सहूलियत होगा। तो इस तरह से हम क्या है, शेप डिजाइन कर सकते हैं। 3 डायमेंशन शेप में अपने को डिजाइन करना है, कभी हमको इस तरह से हम 3 डायमेंशन डिजाइन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड अपने को पढ़ाना है। तो ये मैथमेटिकल टूल हैं, बहुत से मैथमेटिकल टूल्स हैं अपने पास। ये पिरामिड बनाना है अपने को, इस तरह से अपन पिरामिड बना सकते हैं। क्लियर, सपोज हमको किसी को मूव करना है, यहाँ से हमको इस पर्टिकुलर पोर्शन को, हम पहले उसको, जैसे हमको y=mx+c को यहाँ से अपने को सेलेक्ट करना है, तो ये देखो हम इसको चॉइस मूव एक, चलिए देखिए, अभी मेरा खुद समझना पड़ रहा है ना, इसके भी मैं 2-4 दिन प्रैक्टिस करूँगा। ये जैसे मैंने y=mx+c को सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे को क्या करना है, इसको मूव करना है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ मूव करके ले जाके रख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से सपोज मेरे को इसको यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से मैं इसको ले जाके इधर मूव करके रख सकता हूँ, बाद में वहाँ पर एंट्री करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और इरेज करना तो बहुत आसान काम है, बस ये क्या है, सॉरी, इसको अभी मेरे को राइट में जाना पड़ेगा। ये इस तरह से कैसे क्या कर सकते हैं, हम इसको पाम इरेज कर सकते हैं। ये इरेज नहीं होगा क्योंकि ये परमानेंट फिगर से बना हुआ शेप है। ठीक है, क्लीन करना है अपने को, कंप्लीट क्लीन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ बताया इसके फीचर्स, जिसके वे में हम पढ़ेंगे। बहुत से फीचर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली अभी मुझे कुछ दिन उस पर ट्रेंड भी होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको क्लास में पढ़ाते रहूँ और बस यही सर्च करते रहूँ तो दिक्कत है। वैसे फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले मुझे सीखना समझना पड़ेगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर हम कुछ शेप के बारे में आपको बताया। ठीक है, इरेजर का अपने पास है, क्लीन करने का या बैक में जाने का है। देखो, यदि इसको मैंने इरेज कर दिया, अब बैक में जाके अपने को देखना है अपन क्या क्या वर्क किए, तो ये जाके देख सकते हैं, इसको सेव करके रख सकते हैं। कोई पेज हमारा कंप्लीट हो गया तो अपन बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बोलता हूँ, जनरली आता हूँ क्लास में आपको, तो क्या बताता हूँ मैं कि पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा। हम चाहें तो 5 मिनट हम अपने प्रीवियस टॉपिक को आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिकनेक्ट करने के लिए। जैसे आपको सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा हूँ और एक दिन मेरा क्लास वहाँ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डे मुझे वहीं से कंप्लीट करना है, तो मैं उसको यहाँ पर अपने बोर्ड में रिकॉल कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको मेरे को आपको बताना हो मुझे, यहाँ पर देखो
इसको हम एज ए कंप्यूटर, मेरा जो ये बोर्ड है, ये इंटरेक्टिव बोर्ड है, वह लेटेस्ट बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। नेचुरली आप समझ सकते हैं कि यदि मैं टेक्नोलॉजी पर कोई काम करूँ तो नेचुरली बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करूँगा। तो ये मेरा बोर्ड देखो, आप विंडोज़ आपके सामने विंडोज़ ओपन है, तो हम इसमें मोबाइल की तरह एंड्रॉयड के सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ में अपन इसके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है इस तरह से, देखो ये हमारा गूगल, तो कंप्यूटर के वे में भी मैं आपसे यहाँ पर बात कर सकता हूँ। ये अपने को यूट्यूब में जाना है, सपोज़ हमारा चैनल अपने को देखना है, ये आपको दिख रहा है देखिए, ठीक है। कैलकुलस पर हमारा देखिए, जैसे हमारा ये हमारा वीडियो है इस तरह से, ठीक है। ये वीडियो आपको देखना है, देखिए ये मेरा क्लास का पहले पढ़ाया हुआ है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस पर मेरा वीडियो है, आप देख रहे हैं। तो बीच में हम इस तरह से अपने वीडियो पर भी बात कर सकते हैं, कंप्लीट अपने, ये अब कंप्यूटर है, अब हम अपने कंप्लीट कंप्यूटर पर बात कर रहे हैं। तो ये क्लास आपको ध्यान आ रहा होगा, ये क्लास आपने देखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फीचर हैं जिसको हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये पीसी का कंप्लीट अपने पास सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद ये तो खैर अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, तो अपन जैसे फिर एंड्रॉयड में आके अपन पढ़ना चाहें, ये नोट पर जाके, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। ये मैं एक फंक्शन आपको बताया, ये अपने पास ये रूलर है, जैसे अपने को कहीं पर कुछ ड्रा करना है, एंगल ड्रा करना है, तो हम यहाँ से एंगल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपन इस तरह से रोटेट कर सकते हैं रूलर में, और भी फंक्शन है इसमें। इस तरह से आप इसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, ओके। तो ये रहा मेरा डिजिटल बोर्ड, और आपके लिए ये अब रेडी है। बस कुछ स्टूडियो का और कुछ टेक्निकल काम मेरा है, वो मैं जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लूँ। एक्चुअली यदि मेरा चले तब तो मैं अभी रात दिन भिड़ के उसको कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मैंने आपसे एक जो बात की कि बहुत से वर्क ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं दूसरों पर, कुछ टेक्नीशियन पर, कुछ कारपेंटर पर, किसी और पर, जिनके कारण मुझे कुछ फर्नीचर के भी काम है मेरे कंप्यूटर सेटअप को। आप लोगों में से कई लोग लिखा था कि सर आप अपना स्टूडियो दिखाना। एक्चुअली मेरा जो क्लास है ऑफलाइन क्लास है, बड़े बड़े हॉल है, बहुत एडवांस क्लास है, लेकिन टेक्नोलॉजी लाइव क्लास और हमारे ऑनलाइन क्लास के हिसाब से वो नहीं था। उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ। तो थोड़ा आपका कोऑपरेशन चाहिए, मुझे लगता है कि आप इस बात को महसूस करेंगे कि सर जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल का हर स्टूडेंट उस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़े जो वक्त की मांग है, जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो कुछ दिन का प्लीज़ और इंतज़ार करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी से दे दूँ कि इसके पैरेलल मेरा एक और चैनल चलेगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट होगा। कहीं आप डर मत जाना कि सर एक और चैनल बना रहे हैं उसमें कुछ फीस लगेगा, सब फ्री ऑफ कास्ट होगा, कोई फी नहीं लगेगा। वो स्पेशल चैनल मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं एक चैनल पर बेसिक फाउंडेशन के क्लास को पढ़ा सकूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक चैनल पर मैं कॉम्पिटिटिव के मैटर्स, जैसे मुझे NTSC का तैयारी कराना है, या मुझे KVPOI का तैयारी कराना है, या NDA का तैयारी करना है, NEET का प्रिपरेशन कराना है, या IIT का प्रिपरेशन कराना है, तो उसके पैरेलल मेरा एक और चैनल बहुत जल्दी आएगा। और इससे मुझे यह सुविधा, आप सोचोगे सर इसी में आप उसको कर सकते हो, लेकिन मैं उसको क्लासीफाई करके रखना चाहता हूँ कि एक फाउंडेशन क्लास का चैनल होगा और एक मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड चैनल होगा, जहाँ पर हम इंडिया लेवल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, NDA के लिए बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं। मैं देखता हूँ जब लाइव पढ़ाता हूँ तो आपके कमेंट्स, मेरे को मालूम है कि NDA एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और IIT JEE के पैरेलल उसकी तैयारी की जा सकती है। तो इसके लिए मैं अलग से एक चैनल बनाऊँगा और आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे इमीडिएट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना कि ऐसा मत समझना कि वो पेड होगा, वह चैनल भी इसी चैनल की तरह बिना कोई